अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबका। तो जी भी टाइम हो चुका है जी रात का, और रात का खाना जो है वो ला के मैंने डाल दिया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने बेबीज़ के रैबिट्स के बेबीज़ जो कि हमारे तकरीबन इस वक्त जो हैं वो 9 दिन के हो चुके हैं, क्योंकि ये आए थे तकरीबन 7 तारीख को आए थे, और 7 तारीख को बनती है आप हिसाब लगा लें, 8 को थे इलेक्शन, 8 को था थर्सडे, तो 7 को वेडनेसडे है बनता है तकरीबन। तो वेडनेसडे के बाद आज आ जाता है फ्राइडे, तो यानी कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, थोड़ी वेडनेसडे तो हम ऐड नहीं करेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे आ जाए, यानी कि पूरे 9 दिन के हो चुके हुए हैं बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह से। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, और देखें जी वो ये हैं, सब उसी तरह ही हैं जिस तरह के हमारे पहले थे, फुल वाइट कलर में, और इनकी क्वांटिटी भी सेम वही है जो हमें पहले आई थी, 7 रैबिट्स आए हैं। इस पहले भी हमें 7 बेबीज ही आए थे, और इस बार भी सेम वही है, 7 बेबीज ही हैं। कल मैंने ना इनको बाहर निकाल के इधर रखा था, इनको मैं देखा तो ना उस वक्त ना बाय चांस एक बच्चा जो था ना वो नीचे गिर गया, लेकिन ना ये शुक्र है कि उसकी बचत होगी। मैंने ना यानी कि यहाँ पे रखे थे, उसका मुझे पता ही लगा कब वो चलता चलते इसने एंड पे आया, और उन्होंने उसको हाथ लगाया, बाकी उन्होंने यानी कि उसको धक्का लगाया और वो नीचे गिर गया, लेकिन वो गिरा इस तरीके से कि मैंने उसको पकड़ लिया था, बचत हो गई, ज़्यादा चोट नहीं उसको लगी, मैंने फिर उसको दोबारा अंदर रख दिया। लेकिन वो ये है कि मैंने सबको चेक किया है माशाल्लाह, सब जो है बिल्कुल फिट फाट हैं। तो अभी मैं इसको कैन को उठाता हूँ, उठा के नीचे रखता हूँ, तो उसके बाद देखता हूँ बाकी चीज़ें जो हैं। तो जी कैन जो है वो मैंने दोबारा उसकी जगह पर रख दी है। बाकी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, अपना मेल जो है अपना बंद किया हुआ है, वो इसके अंदर अपना सुकून से बंद है, उसके अलावा अपने जो बच्चे हैं वो, तो ये भी अभी तक माशाल्लाह से बिल्कुल पूरे हैं, फिट हैं। कुछ हैं चीज़ें जो मैंने किसी लर्निंग है, काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मेरी बुकिंग हुई हुई है, यानी कि उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि हमें चाहिए, तो उनको मैंने देने हैं। बच्चे जो नए आए हैं उनमें से भी काफ़ी चले जाने हैं, यानी कि इस वक्त हमारे पास माशाल्लाह से 14 बेबीज़ हैं, और उसमें से काफ़ी जो है ना निकल जाने हैं, मे भी सारे ही निकल जाएँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ऐसे जिन्होंने मुझसे कहा हुआ है, तो उनको इसी तरह ही बस ये निकल जाने हैं जिनकी बुकिंग पहले से हुई है। और कई तो ऐसे हैं जिनको मैंने अब ये कहा है कि भाई अब नेक्स्ट का दोबारा वेट करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हर कोई लाइक करता है और हर कोई चाहता है कि हम ये ले लें। तो मुझे भी पर्सनली तौर पे ये पसंद है, ऊपर से ये है भी वाइट कलर के, तो वाइट कलर के अंदर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने फिर यही है कि मैंने कहा चले जो जिसने जिसने डिमांड आती रहेगी हम उस तरह इनको सेल आउट करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यही है कि मेरा तो आपको पता है कि मेन काम ही ये है। मैंने ये चीज़ें वगैरह जो हैं कुछ शौकिया भी रखी होती हैं, लेकिन ये है कि जब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी हो जाती है तो मैं इनको सेल आउट भी कर देता हूँ। जो अपने ये रबर्ड्स हैं ये तो मेरा काम ही इनका मेन सेल करने का है, कि मैंने रखे ही सेल के लिए हुए हैं। बाकी जो ये मुर्गे थे ये तो मैंने रखे थे मुर्गे जो हैं मेन अंडों के लिए, दूसरा गोश्त के लिए। तो इस वक्त भी अब ये 2 अपने पास मुर्गे फिर रहे हैं, तो ये फिरते रहे, जब कभी होगा कि हमें लगेगा तो हम इनको जिस तरह भी करना हुआ सेल आउट करना हुआ किसी को सेल आउट कर देंगे, वैसे अगर कुछ करना होगा तो हम उनका वैसे कुछ कर लेंगे। तो बाकी जो अपने हैं पैरट्स ये तो आपको पता है कि ये निकलते रहते हैं, और माशाल्लाह से इनकी भी ब्रीड ठीक है, तो इसलिए ये है कि इनको भी हम सेल कर दें तो ही बेहतर है। इतनी ज़्यादा चीज़ें ये होती हैं ना कि यार बाद में संभालने मुश्किल रहते हैं, माशाल्लाह से जितने ज़्यादा ही हैं ना इनको मैं पूरे रूम के अंदर भी रूम इनका ये घर बना के दे दूँ ना तो फिर भी ये काम रह जाने हैं फिर, क्योंकि ये होता है ना कि अब मेल एक है तो इसको संभाल लेता हूँ मैं, पकड़ लेता हूँ, और इसको भी संभालने में इतना टाइम लग जाता है, ऊपर से मैं बच्चे भी लेता नहीं है, यहाँ पर ही 5 से 6 फीमेल्स हों 2-3 मेल्स हों तो उनको पकड़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनका ये काम है प्रॉपर उनके लिए तो ठीक है, लेकिन मैं मेरा ये काम नहीं है, मैं अब अपने बर्ड्स को भी देखना होता है, इनको भी देखना होता है, अपने शॉप को देखना होता है, अपने काम देखने होते हैं, मेरे पास एक काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम होते हैं करने के लिए, तो इसलिए मैं अकेली चीज़ के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं रख सकता हूँ, तो इसलिए उस हिसाब से रखें जिस हिसाब से हम संभाल सकते हों। बाकी जो ये हैं इनका तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था, इनके तो सारे बच्चे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन मैंने बॉक्स जो है वो उसको लगा रहने दिया है। कभी मैं सोच रहा हूँ कि बॉक्स को एक बार उतार दूँ, कभी मैं कहता हूँ कि चलो लगा है तो लगा रहे खैर है, तो इसलिए मैं इनको भी छेड़ नहीं रहा हूँ, जिस तरह ये हैं ये इस तरह ही रहे, हम इनके साथ वही वाला काम करेंगे जो मैंने वीडियो में बताया कि हम इनके जो एग्स हैं वो उठाते रहेंगे और इधर नॉन फर्टाइल एग्स जो हैं वो रखते रहेंगे, बल्कि वो मैंने ना एक दो भाइयों से पूछना है जिनके पास पड़े हैं उनसे लेके आएंगे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई भी नॉन फर्टाइल एग नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ एक वो पड़ा हुआ है वो मैंने इसीलिए ऊपर रखा हुआ है, उसके अलावा 2 ये पड़े हुए हैं, बल्कि मुझे अभी नज़र आए हैं 2 ये हैं, हाँ ये तकरीबन मेरे पास इस वक्त 3 पड़े हुए हैं, इसके अंदर यार पड़े हुए थे इसमें भी पड़े हुए हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से नॉन फर्टाइल नहीं है, ये ना शायद फर्टाइल थे,
एक मिनट देख लेता हूँ मैं निकाल के, दोनों आए को ना यार, दो थे इसमें से एक निकला अभी, दूसरा भी इसके अंदर ही होगा। आ जा, नहीं यार मेरे ख्याल से एक ही है, बाकी मैंने ना चाय निकाल के फेंक दिए या वो ही वाले होने हैं। चलें कोई नहीं, इसको मैं इसी के अंदर ही रखता हूँ कि इसके अंदर चले जाएंगे, बाकी मैं ऊपर चढ़ के वो भी उतार लेता हूँ, इसको भी उतार लेता हूँ, इसको भी इसके अंदर आ देता हूँ। चार अंडे मेरे पास हैं, दो से तीन हम और ले लेंगे, तकरीबन आठ अंडों का हम अपने पास बैकअप रखा करेंगे, तो उनको फिर हम इनके साथ जो है एडजस्ट किया करेंगे, जिस तरह कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। तो जी उधर से तो मैंने जो है अपना एग उतार लिया है, क्योंकि मेरा वहाँ पे हाथ जो था ना इधर से नीचे से खड़े होकर पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए मुझे चाहिए स्टूल, तो उधर मैं अभी ना स्टूल लगाऊंगा तो फिर जाना पड़ेगा, तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा है, इसको मैं सुबह को उतार लूँगा। तो अभी ये जो है एक, इसको मैं इसके अंदर ही दोबारा सेव कर देता हूँ, इसके अंदर से इसको यार मैं निकाल के ना बाहर ही लगा देता हूँ, ये ना हो कि ये कहीं उनके अंदर लग के ना वो खराब एग्स को ना तोड़ दे। तो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। इस वक्त हमारे पास इसमें दो एग जो है अनफर्टाइल वो पड़े हुए हैं, जब ये रखने होंगे इनको पर हम निशान लगा के क्रॉस वगैरह जो भी चीज़ होगी लगा के अंदर रख के उनको हम फिर ये है कि घुमाते रहा करेंगे एग्स को। लेकिन ये जो है ना ये एक टाइम यूज़ करने हैं, दूसरे टाइम के अंदर इनको ज़ाया कर देने, क्योंकि ज़्यादा पुराने फर्टाइल एग्स जो होते हैं वो नहीं रखने हैं। तो बाकी जी यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो के लिए, बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, ये हमारा आज का ब्लॉग वीडियो, चलो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।